हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी क्वेश्चन टैग का सीरीज चल रहा है और आज हम लोग क्वेश्चन टैग में कुछ अलग रूल पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, इसको बहुत ध्यान से आप समझना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। और अभी तक से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, यहाँ पर आप पहले इस रूल को समझना। इसमें स्पष्ट रूप से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, हो सकता है तो आप इसको नोट कर ले कहीं डायरी में। यदि कोई सेंटेंस लेटस से शुरू हुआ है, यदि कोई भी सेंटेंस लेटस से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन टैग करते समय हम शैल वी का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने देखिए लिख भी दिया है, शैल वी का प्रयोग करेंगे। इसमें कंडीशन क्या है, यदि कोई सेंटेंस लेट्स से शुरू है, आई मीन लेट अस से शुरू है, तो इसका क्वेश्चन टैग में हम सिर्फ शैल वी का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है लेट्स प्ले, इसको कहते ना हम खेलने चले, लेट्स प्ले, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, शैल वी, और इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस है लेट्स गो टू स्कूल, हम स्कूल चलें, इसका भी यही बनेगा क्वेश्चन टैग, शैल वी और क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट, लेट्स डांस टुगेदर, हम एक साथ डांस करें, तो अब यहां पर क्या है, या सब में जो एपोस्ट्रॉफी एस लगा है ना, इसको हम क्या कहेंगे, अस, यानी लेट अस, लेट्स डांस टुगेदर, इसका भी क्वेश्चन टैग होगा शैल वी और क्वेश्चन टैग हो गया। अब अगला देखिए रूल नंबर सेकेंड, यदि कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है उसमें अस नहीं होगा। यदि कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है और उसको जब हम क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसके लिए हम विल यू का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि कोई देखिए लेटस या लेट, ये जो सेंटेंस शुरू होते हैं ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो आपने लेटस के बारे में तो समझ लिया, अब लेट के बारे में आपको ये समझना है कि कोई भी सेंटेंस यदि लेट से शुरू होता है और वैसे सेंटेंस को हमें क्वेश्चन टैग करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, विल यू, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके समझने के लिए क्लू के रूप में लिख दिया है। जैसे यहाँ पर है कि लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले का मीनिंग होता है उसे खेलने दो। जब इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो सिर्फ यही करेंगे विल यू और यहाँ पर क्वेश्चन टैग कर देंगे, लेट देम डू दिस वर्क। अब इसका यदि क्वेश्चन टैग करना होगा तो फिर वही बात है, विल यू और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो, तो इसको क्या कर देंगे, यहां पर वही चीज होगा, विल यू और क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। अब अगला नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर थ्री। पहले आपको बेटा इस चीज ध्यान में रखना होगा कि मैंने कौन कौन सा वर्ड लिखा है। जैसे यहां पर वर्ड है एनी वन, नो वन, एवरी वन, सम वन, नो बॉडी, एवरी बॉडी, सम बॉडी। अब देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में एनी वन, नो वन, एवरी वन, सम वन, नो बॉडी, एवरी बॉडी या सम बॉडी से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, यदि कोई भी सेंटेंस इनसे शुरू होता है, यानी कि एनी वन से, नो वन से, एवरी वन, सम वन, नो बॉडी, एवरी बॉडी, सम बॉडी, कोई भी सेंटेंस यदि इससे शुरू होता है और ऐसे सेंटेंसेस को यदि हमें क्वेश्चन टैग में बदलना है तो हम क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए सिर्फ दे का प्रयोग किया जाता है, ओनली एंड ओनली दे। अब जैसे एवरी वन केम ऑन टाइम, प्रत्येक लोग समय पर आए, एवरी वन केम ऑन टाइम, तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, एवरी वन, यहां भी क्या है, एवरी वन लिखा है,
तो एवरी वन जब है या समबडी है, एवरी बडी है, नो बडी है, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ दे ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई प्रयोग नहीं होता। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं, एवरी वन केम ऑन टाइम। अब देखिए केम यानी कि ये पास्ट में है, पास्ट इनडेफिनेट में। जब इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ आप भी जानते हैं कि यदि सेंटेंस में पहले से नॉट लगा है तो नॉट को हटा देंगे, यदि नॉट या नो नहीं है तो क्वेश्चन टैग करते समय हम उसे निगेटिव बनाते हैं यानी नॉट लगाते हैं। तो देखिए पहले सेंटेंस में नॉट या नो नहीं है तो मुझे लगाना होगा, अब पास्ट में भी है इसलिए हम क्या कर देंगे, डिडंट, डिडंट, डिडंट हो गया, क्योंकि इसमें मैंने नॉट इसलिए लगाया क्योंकि सेंटेंस में नॉट या नो नहीं लगा है, यानी कि यह सेंटेंस कंप्लीट पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए मुझे निगेटिव बनाना पड़ा, डिडंट दे, ठीक है, डिडंट दे, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा इस तरह के सेंटेंस में दे का प्रयोग किया जाता है और यहां पर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला सेंटेंस है Somebody has stolen my pen. बिल्कुल, अब देखिए ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें भी हमें नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, लेकिन यहाँ पर हैजंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो दे होता है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ दे के साथ प्लूरल वर्ब होता है यानी हैव का प्रयोग होता है, तो यहां पर क्या देंगे हैवंट दे, हैवंट दे, और यहां पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अगला सेंटेंस है एवरीबॉडी इज माई फ्रेंड, एवरीबॉडी इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहां पर ये भी सेंटेंस पॉजिटिव में है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज है, लेकिन इज तो सिंगुलर होता है और हमें इसमें सब्जेक्ट दे लेकर चलना है, तो दे के साथ क्या होगा आर होगा, क्योंकि दे जो है प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर आर का प्रयोग होगा और सेंटेंस में कहीं भी नो या नॉट नहीं है तो मुझे लगाना होगा, तो यहाँ हो जाएगा आर्न्ट दे, इस तरह से इसको बनाएंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए Nobody can harm us. Nobody can harm us. अब इस सेंटेंस में nobody यानी no, अब देखिए no सबसे पहले लगा है यानी कि सेंटेंस ये नेगेटिव में है, इसलिए इसमें हम क्वेश्चन टैग करते समय not का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है can, तो यहाँ पर लिखेंगे can they और क्वेश्चन मार्क, कैन दे बन गया क्वेश्चन टैग। अब बेटा एक लास्ट जो रूल है रूल्स नंबर फोर्थ, देखिए इसमें यह कहता है कि यदि कोई सेंटेंस नथिंग एवरीथिंग एनीथिंग समथिंग, यदि कोई सेंटेंस इन वर्ड्स से शुरू होता है, आई मीन नथिंग से शुरू होता है या एवरीथिंग एनीथिंग समथिंग से कोई सेंटेंस शुरू होता है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम केवल इट मानते हैं, इट, बस यही ध्यान रखना होगा, मैंने लिख भी दिया है ब्रैकेट में इट। अब देखिए जैसे दिया है एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, यानी सेंटेंस देखिए बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं से भी ये निगेटिव नहीं है, तो क्वेश्चन टैग करते समय इसमें हम नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हैजंट, हैजंट और सब्जेक्ट के रूप में यहां पर इट को मानेंगे और क्वेश्चन टैग लगा देंगे। अगला सेंटेंस है नथिंग इज हार्मफुल हियर, अब देखिए इस सेंटेंस में नो पहले ही है, नथिंग यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है, अब इसको क्वेश्चन टैग करते समय यहां पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे इज, इज इट, सब्जेक्ट तो इट ही होगा, यहां पर इज इट करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है समथिंग मस्ट बी डन,
फॉर अस। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, इसमें कहीं से भी नो या नॉट नहीं लगा है, अर्थात ये निगेटिव नहीं है। तो क्वेश्चन टैग करते समय हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव बनाएंगे यानी नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हेल्प मॉडल वर्ब मस्ट है, आई मीन हेल्पिंग वर्ब कहिए या मॉडल वर्ब, समझने के लिए पहले मसंट कर देंगे, मसंट। अब इसके लिए सब्जेक्ट क्या मानते हैं, इट, और इसके बाद क्वेश्चन टैग का प्रयोग कर देंगे। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन टैग बनता है। क्वेश्चन टैग के लिए मैंने आपको 3 वीडियो दिए और आप इतना जान जाते हो बेटा, तो फिर क्वेश्चन टैग का आप अपने को मास्टर समझिए, किंग समझिए। तो चलिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ और भी याद रखना होगा, आप पिछला वीडियो को ज़रूर देखना भाई। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा होगा, जो फर्स्ट वीडियो मैंने भेजा या सेकंड भेजा, तो आप इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको देना, क्योंकि जब तीनों आप वीडियो देखेंगे तो क्रम से समझ जाएंगे कि क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाया जाता है, और उसके बाद आप अपने को क्वेश्चन टैग का किंग मान सकते हैं। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।